हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं शांगड़ में और देखने जा रहे हैं यहाँ का एक अनएक्सप्लोर्ड वंडर बर शांगड़ वाटरफॉल। यह वाटरफॉल शांगड़ विलेज से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ की पार्किंग तक आप अपने व्हीकल के साथ या वॉक करके भी आ सकते हैं। हमने वाटरफॉल का पूरा रास्ता बाय फुट कवर किया क्योंकि हम आसपास की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते थे। अगर आप बरशांगड़ वाटरफॉल तक गूगल मैप्स की हेल्प से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी ही नहीं, और इसलिए आपको इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए लोकल लोगों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। हम फाइनली वॉक करते करते पहुंच गए बरशांगड़ वाटरफॉल की पार्किंग तक, जहां पर हम लोकल से मदद लेके अपने आगे के ट्रैक की ओर बढ़ चले, जो लगभग 15 से 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में कवर कर लिया जाता है। सबसे पहले हमें मिला ये छोटू सा वाटरफॉल, जिसे क्रॉस करके हम चल दिए आगे की ओर। और अब हम ये वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से तक जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे छोटू सा हिस्सा दिख रहा है इसका क्यूटी। और फाइनली ये रहा बरशांगड़ वाटरफॉल। ब्यूटीफुल इजंट इट? और ये ऐसे इन फट्टों का सहारा लेते हुए क्लाइंब करते हुए हमें वहां ऊपर तक जाना है। आई एम सो एक्साइटेड। पहले वाटरफॉल के आखिरी लेग तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा वुडन ब्रिज बना हुआ था, जो पिछले साल आए भारी बारिश में टूट गया।
हम इतने दूर आए थे तो वाटरफॉल तक तो जाना बनता ही था, इसलिए हम थोड़ी मेहनत करके बड़े बड़े बोल्डर्स को क्रॉस करके पहुंच गए वाटरफॉल के करीब तक। वाटरफॉल के आसपास फोटोग्राफी करने के बाद हम वापस आ गए इस छोटू से वाटरफॉल के पास। अगर आप ऑफ बीट डेस्टिनेशंस के शौकीन हैं तो आपको बर्शानगढ़ वाटरफॉल तक जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको केवल कुछ ही गिने चुने लोग मिलेंगे। अपने वापसी के ट्रैक में भी हमने खूब एंजॉय किया और इस ब्रिज के आसपास ढेर सारी मस्ती की। पार्किंग के पास ही इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बना है, जिसके पास हमें एक क्यूट सा गोट किड मिला। पार्किंग से वापस लौटते हुए हमें मिले ये क्यूट से दो माउंटेन डॉग्स, जो हमें गाइड बनके हमारे होम स्टे तक ले गए। तो कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, ये जरूर बताइएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। And thanks for watching. Bye.